वेलकम गाइस, मैं उदर अनुषाद और आज के दिन हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के कंट्रोल। नहीं नहीं, कमेंट के नहीं है, मत लिखना, हमें आते हैं। मैं आज जावा एडिशन के सिखाने वाला हूँ। मगर एडिशन में तो ईजी होता है, सारे मोबाइल के कंट्रोल आपको गेम डाउनलोड करते ही पता चल जाते, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले जावा एडिशन के कंट्रोल। और मुझे हाँ पता है कि बहुत सारी वीडियो हैं इस पर, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ताकि जो मेरे चैनल पे नया है उसको नहीं पता, ताकि वो खेल ले माइनक्राफ्ट जावा एडिशन। ओके, अब हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। देख सकते हैं मैंने ट्यूटोरियल के लिए अपना कंप्यूटर खोल लिया है। अब यह देख सकते हैं मेरा माउस मैं घुमा रहा हूँ, और ये जो आपको इतनी सारी फाइलें दिख रही हैं, प्लीज इनको इग्नोर कीजिए, ये सारी बहुत काम की हैं, इनके बगैर ना मेरा माइनक्राफ्ट डाउनलोड नहीं होता। बस ये OBS को छोड़ दो और ये डिस्कॉर्ड को, अभी हम अपने माइनक्राफ्ट को ओपन करते हैं। तो भैया देख सकते हैं हमारा माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये देखें, ये वो अपना माउस है, ये OBS, ये वंडर चेयर, डिस्कॉर्ड, हैप्पी व्हील्स, टॉयट कैम, क्रोम, फ्री कैम जिससे मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई है, और अरे अरे रॉब्लॉक्स, रॉब्लॉक्स स्टूडियो, PSP, टी लॉन्चर। और अभी हमारा टी लॉन्चर ओपन होता है, देख सकते हैं। एक मिनट भैया, बहुत मुश्किल है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर थोड़ा ना लैग करता है जब मैं माइनक्राफ्ट की बनाया जाता हूँ। आजकल वो चल ही नहीं रहा सही से, इसलिए मुझे अब ऐसे ना ऐसे करके बनाना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं ट्राईपॉड पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्राईपॉड को मैं कहीं रख भी नहीं सकता, पता नहीं कितना अच्छा। अगर आपको तो देख सकते हैं मेरा टी लॉन्चर खुल गया। अभी मैं 1.17 खेलूँगा, एंटर द गेम। ओके, जब ये होता है फिर मिलता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा माइनक्राफ्ट खुल चुका है, और ये आपको नीचे की चीज़ें दिख रही हैं। ये मेरा ना ज़रा आप कंप्यूटर की आप स्क्रीन देख सकते हैं, अभी थोड़ी छोटी है इसलिए इसमें फुल स्क्रीन नहीं खेल सकते। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँगा ना सब इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, इसलिए अभी हम ऐसे ही खेलना, आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार ये कैमरे के अंदर क्यों आ रही है, पहले इसको बाहर भगाओ। अरे देख देख, देखिए ये हमारा वर्ल्ड है माइनक्राफ्ट विंडोज 11 माइनक्राफ्ट। और हमारा वर्ल्ड अभी लग रहा है, और देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को ना ये लाइट दिख रहा होगा बिल्कुल सब कुछ, लेकिन ये मेरा अरे 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 भाई ये क्या हो गया, ये धुंधला धुंधला क्यों नजर आ रहा है, ये साफ हो गया। आपको सब लाइट दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत डार्क है, ये तो मोबाइल का कमाल है मेरा। हो गई 1.17, अब वर्ल्ड में जाने में बहुत टाइम लगेगा। गाइस मैं सस्ती प्रमोशन करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को दबा के, ऐसे बेल आइकॉन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। यही थी मेरी सस्ती प्रमोशन, स्क्रीन काटो। ओ गाइस, हमने सस्ती प्रमोशन तो कर ली, लेकिन अब हमारा वर्ल्ड भी बन गया है। मुझे पता ही है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, जब भी ना माइनक्राफ्ट हरकतें करता है, लेकिन जब के अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता ना, बिल्कुल एकदम सही चलता है। अभी जब मैं वर्ल्ड में जाऊँगा ये थोड़ा बहुत लैग करेगा, ठीक है। आते ही ये मेरा कंप्यूटर में ना विंडोज 7 है, इसलिए माइनक्राफ्ट के लिए बहुत सारी चाहिए होती है। ओहो, कहेगा कैसे जादू, मैंने जादू किया लाइट ऑफ। अच्छा नीचे देखता हूँ, ये हूँ मैं किधर भाई, मेरा सेकंड ये है मैं इधर, और मैं स्पेक्टेटर मोड क्या, रुको अरे मोड को चेंज, अरे भाई अभी आते ही लैग हो रहा है ना, जब ये लैग खत्म होगा जब मैं आपसे मिलता हूँ।
ओके और अभी हम इन चीजों को फेंक देते हैं। माइनक्राफ्ट देख ऐसे ना ऐसे हरकतें मत कर, बस वीडियो बनाने के बाद मैं तुझे बंद कर देना। मैंने वीडियो में जो बोला था उसको इग्नोर करना प्लीज। हाँ वैसे भी मैं ज्यादा नहीं खेलता माइनक्राफ्ट, अकेले में मजा ही नहीं आता यार, क्या करूँ। मैं सोचा था डाउनलोड हो जाएगा फिर ना अपने दोस्त के साथ खेलूंगा, लेकिन उसके पास तो लैपटॉप ही नहीं है, इतना कंप्यूटर और लैपटॉप ठीक है उसके है पास लेकिन वो उसके भाई का। अच्छा आज हम कंट्रोल सीखने वाले थे, मैं क्या बकवासें कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप लोगों को W दबाना पड़ेगा कुछ ऐसे, फिर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे ठीक है। W A S और D, देखें W से आगे जाते हैं मतलब W के नीचे S है तो आप उससे पीछे जाएंगे, अगर S के लेफ्ट में है तो A से आप लेफ्ट जाएंगे ठीक है, A से आप लोग लेफ्ट जाएंगे और D से आप लोग राइट जाएंगे। ओके ये सही है, ये एक पैटर्न के तौर पे है ना। उसके बाद अभी मैं नीचे उतर जाता हूँ, पहले अभी आपको भी सिखाएंगे। अरे जार्विस, अरे जार्विस नीचे उतारना है, आसमानों की ऊंचाइयों में नहीं पहुंचाना, लगता है जार्विस साथ मेरी पूरी बेइज्जती करवाएगी। वैसे मजाक कर रहा हूँ, मैंने मिडपैट की वीडियो देख के इसको कॉपी किया, वो वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं, इतनी पुरानी है सही है, उस वीडियो का नाम भी बता देता मैं, लेकिन रुको ये चीज़ भी कर सकता हूँ जो कि मैं अभी कर ही नहीं रहा। अभी ऐसे हम नीचे जा रहे हैं, भाई पहले मैं ऐसी चीज़ कर क्यों नहीं रहा था, बिला वजह मेरा वीडियो का टाइम वेस्ट हो गया। ओके W से आप आगे बढ़ सकते हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगर आपको इन्वेंट्री खोलनी है, इन्वेंट्री ई अगर आप दबाएंगे तो आपकी इन्वेंट्री खुल जाएगी, जैसे कि ये है सर्च आइटम, कंपास पे आप अपने आइटम सर्च कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं लेना इसलिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ला 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 ला। अगर आपको हटाना है तो आप क्या बोलो, हटाना है तो आप एक्सकेप को दबाइए, एक्सकेप को दबाने से आप हट जाएगा और मेरा माइनक्राफ्ट अब स्मूथ चल रहा है, देख सकते हैं थोड़ा टाइम तो लेता ही है स्मूथ चलने में। ठीक है अगर आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए और आपको इन्वेंट्री नहीं खोलनी, वैसे ये आलसपना होता है जो कि हर किसी में होता है लेकिन वो मेरे में नहीं है, और ना ऐसी मीम मत लगा देना चल झूठा ठीक है, मीम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा आपको क्या करना है, ये जो है ना माउस, माउस माउस का ये जो बीच वाला बटन है इसको ऐसे दबाना है, फिर आपको वो वाला ब्लॉक मिल जाएगा ठीक है। और एक और चीज़ सिखाता हूँ इसके बारे में माउस के, एक मिनट रुक जा, ट्राइपॉड इतना हिला मत। अगर आपको ना जावा एडिशन में क्या होता है, अगर आप किसी सामान को ऐसे राइट क्लिक करके लेते हैं ना तो वो ना पूरा नहीं आता, एक ही आता है। देखिए राइट क्लिक से ऐसे सामान लेते हैं, लेफ्ट क्लिक से इसको हटाते हैं मतलब कम करते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा लिए, लेकिन अगर आपको एक ही बारे में 64 चाहिए दोबारा से इसको आप यूज़ करेंगे ये वाले। ओके ठीक है, अभी जैसे कि मुझे ये सैपलिंग चाहिए, मैंने ए अपने मिडल वाले को दबाया, अब मुझे मिल गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको उगाऊंगा, तो कुछ को उगाते हैं, बोल चलो 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 भाई ये उगेगा नहीं। अच्छा मैं आपको कुछ ना माउस के और कंट्रोल बताता हूँ, जैसे अगर आपको किसी को मारना है तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, पहले हम अपनी सॉर्ड निकालेंगे, नजर आएगी ये रहा। ओके अभी हमने निकाल लिया, अब हम ई कुछ ना इस
स्पॉन एग ले लेते हैं, जैसे कि हमारा जानी दुश्मन जिसका नाम है क्रीपर, मैंने बहुत बार ये ले लिया। अच्छा अभी हम इसको ऐसे, अच्छा स्पॉन ऐसे करते हैं, स्पॉन करने के लिए लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से आपका ब्लॉक भी प्लेस होता है। देखिए आप जो आपका है ना माउस, राइट क्लिक से आप किसी को भी मार सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने जानी दुश्मन को स्पॉन किया है और मैंने इसको राइट क्लिक कर करके ना ऐसे मारना है। अच्छा इसमें जावा एडिशन में एडवांसमेंट भी होती है ना, ये देखो ठीक है, हमारी ऊपर की चीज़ें नजर नहीं आ रही होंगी लेकिन आपको नीचे की दिख रही होंगी। वैसे कि मैंने गूगल क्रोम खोला, मैं कुछ सारी चीज़ें खोल ली मैंने क्योंकि मैंने मोड डाला था माइनक्राफ्ट में जो कि मुझसे डरा नहीं है, ठीक है, मतलब कि मैंने अभी एक वीडियो डाली है शॉर्ट 10 मिनट की वीडियो हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं चैट की, ठीक है। चैट करने के लिए ना क्या करते हैं, आपको टी दबाना पड़ता है, टी। वैसे ना मुझे लगता था टी से नहीं होता, सी दबाने से चैट खुलती है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। अगर आपको कुछ भी लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं हेलो, अगर आप सर्वाइवल में हैं तो आप इसको बस यही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अगर आपके चीट ऑफ है तो आपको पता ही होगा मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो कावा जावा और पॉकेट में दोनों में कॉमन होती हैं। अच्छा आप सुबह कर लेते हैं, बैड ही नहीं है, वाह क्या बेइज्जती है, इस वाले में पक्का होगा ये, वैसे मैंने ही लगाया, ओके डोंट टच, कि मैंने वहाँ पे लगाने के बजाय सीढ़ी के बराबर में लगा दिया। ओके अब हमने क्या सीखना है, क्या सीखना है यार, आपको कुछ रहा ही नहीं क्या सीखने को। अच्छा आपको और भी कुछ सीखना है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, वैसे मुझे भी इतना नहीं पता, मैं जावा एडिशन को पहली बार खेल रहा हूँ। तो फिर ये क्या है माइनक्राफ्ट इन जावा एडिशन, अरे भाई वो उसको खेलना थोड़ी ना बोलते हैं, मैं तो एक हफ्ते तक भी नहीं खेला था माइनक्राफ्ट, अब खेल रहा हूँ ना मैं, अब तो अब हुआ है ना एक हफ्ता खेलते हुए, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा उसको आगे बढ़ाओ हटो चलो। और अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप F5 दबाएं, F5 ठीक है F5, और मैं भी इसको ऐसे फेंक रहा हूँ। अच्छा आपको मेरी ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छी लग रही होगी, लेकिन अगर आप रियलिटी में मैं आके देखेंगे ना तो एकदम डार्क, बिल्कुल डार्क है, ये तो मेरे मोबाइल का कमाल है, नया नया है ठीक है, बस बाद में हर मोबाइल ख़राब हो जाता है। ओके अगर आपने अपना गेम मोड चेंज करना है जैसे अभी मैंने किया F4+F3, अभी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मुझे थोड़ी हो जाती है प्रॉब्लम, मुझे इतना नहीं आता, ठीक है। देखिए अभी मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ, और जैसे कि अभी आई एम विक्सू ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने सारे जानवरों के विजन चेक किए थे, आप लोग सोच रहे होंगे वो सिर्फ रियल वाले वर्जन में चलता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा टी लॉन्चर में कैसे चलते हैं। पहले आपने वही ट्रिगर मानी है स्पेक्टेटर मोड, ओके अभी मैं किसी मॉब को ढूंढूंगा, क्रिएटर में जाता हूँ और ये क्रीपर को स्पॉन करता है, उससे जैसे दिखाया था ना, चलो F3 पहले ऑफ हो जा। अभी आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको उसका विजन नज़र आएगा, और अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे उसमें बहुत 1 पिक्सल का नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरे का कमाल है, आपको बिल्कुल एकदम साफ नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप मेरे हाथ, और आपको लग रहा होगा कि ये फेक वीडियो है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में तो माइनक्राफ्ट डाउनलोड ही नहीं हो सकता, लेकिन ये बिल्कुल रियल है, यस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपका फेस, आपको मैंने शुरू में अपना फेस भी दिखाया, देखो मेरा हाथ देखो प्यारा प्यारा सा हाथ। अच्छा अब हमने क्रीपर को तो चेक कर लिया है, अगर आपको बाहर आना है इससे तो आप ये कर सकते हैं,
ठीक है, उसका विजन क्या है अभी, गेम मोड ऐसे चेंज करना। ओके, ये भी हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे F2 से क्या होता है। F2 से ये होता है, F2 से ना स्क्रीनशॉट होते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं पता ये स्क्रीनशॉट कहाँ पे जाके सेव होते हैं, शायद फोल्डर में होते होंगे ना। यार वैसे ना मेरा कैमरा बहुत हिला होगा, उसके लिए सॉरी। और यार देख सकते हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने माइनक्राफ्ट कैसे डाउनलोड किया, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ना, अभी बता देता हूँ। देखिए, एक यूट्यूबर है जिसका मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे हाउ टू डाउनलोड माइनक्राफ्ट इन विंडोज 7 विदाउट ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है ना, हर किसी के पास नहीं होता गेमिंग पीसी। और अगर और जो बच्चे होते हैं ना जो कि जिद करके ले ही लेते हैं, फिर आपका ना आपके पैसे ही खर्च होएंगे। आप ना अपने विंडोज 7 के विदाउट ग्राफिक्स कार्ड में भी डाउनलोड कर सकते हो, बस क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन ना बस आप खेल तो पाओगे। क्वालिटी से क्या होता है भाई, खेलना है तो खेलो, नहीं तो चले जाओ, ठीक है। अब बस अब हम अपना आउटो करते हैं। ओ भाई, भूत जैसी वाइब आ रही है। और ना मैं हमेशा ऐसे ही खेलता हूँ, मतलब जावा एडिशन में ना मुझे भी ऐसे ही खेलना आता है। और ये क्या हुआ वह, अरे याद आया, तो मेरा वही पुराना, मेरा वही वर्ल्ड है जिसका मैंने नाम क्या रखा था, नाम क्या रखूँ, नहीं दूसरा है ये, हाँ नाम क्या रखूँ वाला वर्ल्ड है, ठीक है। मैंने इसका नाम ही नहीं रखा, तो मैंने रख दिया नाम क्या रखूँ, देख रहे हो मेरा इंटेलिजेंट दिमाग। ओके चलो अब आउट्रो करते हैं। आओ ओ यू टी आर ओ, आउट्रो हो गया। अच्छा अच्छा बस, अरे अरे रुको रुको, छोड़ के मत जाओ वीडियो, रुको। ओके ओके, तो अगर आज की तो चलो आज की वीडियो बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को इसलिए तुम बोलो सब्सक्राइब किए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और ये मेरा सेकंड चैनल रेड स्टार, बाय।